बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर में और ये मेन बाजार है रेलवे रोड का, जहाँ पे हमने पहले अंदर शहर का आपको विजिट कराया, जहाँ से खासतौर पर जो सौगात है फिश जो दूर दराज से लोग खाने आते हैं वो आपको खिलवाई दी और वहाँ पे दिखाया भी कैसे जो है बनती है और किस तरह लोग उसको लाइक करते हैं। बाज़ार के हवाले से मैं बताऊँगा, मेरे जो दाएँ साइड पर लेफ्ट साइड पर जो है वहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का जो है मज़ार वो मौजूद है, जहाँ पे ज़ायरीन की बड़ी तादाद पूरे मुल्क से, ना सिर्फ मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जब उसका रोज़ होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जमा गहमी होती है। लेकिन कसूर की तारीख के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि ये काफ़ी तारीखी अहमियत का हामिल है और सिख दौर से, और इससे अलावा जो पीछे पाकिस्तान बनने से पहले किसकी हिस्ट्री है, क्योंकि इसके साथ जो है बॉर्डर मुंसलिक हैं दूसरे जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो भी व्यवस्था होता है। आदिल कसूरी मार साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं क्योंकि यहाँ के रिहायशी हैं और इस इलाके को, इस हदूद अरबे को जो है बेहतर तौर पर जानते हैं। आदिल कहीं का हम जिस जगह पर खड़े हैं कसूर का, ये कौन सा मरकज के इलाका है और सबसे पहले इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, तारीख के बारे से बताइएगा। जी मैं आपको बताता जरूर, शुक्रिया राणा साहब आपने मुझे टाइम दिया कि मैं आपको थोड़ी सी तारीख को बता दूँ कसूर की। जो कसूर शहर है पुराना, ये बेसिकली कोटों के में शामिल, जैसे किले होते हैं इसी तरह ये छोटे छोटे कोट थे जहाँ पे जो है ना ये शहर आबाद है, जिसको हम कस्बे कह सकते हैं। कोट हाँ वो कोट थे, किसानों का शहर था और किसानों के बाद जहाँ पे सिख काबज हुए, सिखों ने अपनी जो बिल्डिंग बनाई, क्या मेरे सामने देख सकते हैं ये भी जो बिल्डिंग है ये सिखों के दौर की है और ये सिखों की तमीर करदा बिल्डिंग है और सिखों का जो तर्ज तमीर था बिल्डिंग का वो बहुत शहाना था। वो उस दौर में डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाते थे और जो तमीर का सिलसिला था वो बहुत ही प्यारा था। आप बिल्डिंग जहाँ कसूर में देखें बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्डिंग आपको मिलेंगी, देखिए पाकिस्तान बनने से पहले और मुगल पाकिस्तान मुगलिया दौर से, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो मुगलिया दौर था, मुगलिया दौर में ये जो थे यहाँ पे यहाँ के नवाब थे, नवाब के बाद था ये उन्हीं के नाम पे रोड है शहबाजखान रोड, और उससे पहले जो उनके फौजदार थे वो भी यहाँ रहते थे और मुगलिया दौर के साथ ही उन्होंने मुगलिया को बचा। अच्छा आदिल से हमें एक दो चीज़ और भी जानने, जो सिखों के वाले से बता रहे हैं क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे जो बार्डर जो है गंडा सिंह के नाम से है और सब ये जो रोड है ये खेमकरन रोड है बेसिकली, ठीक है, खेमकरन इंडिया का जो शहर है बेसिकली, पहले वो पाकिस्तान जो कसूर की तहसील थी, ठीक है, वो और जब हमारे पैंसठ की जंग 1947 में जो है वो हिस्सा जो है वो इंडिया के इंडिया के पास चला गया और जो एक पूरी जो है कहा जाता है पैसा चाहता है कि आठ थाने जो है वो कसूर शहर के वो इंडिया के इंडिया की हदूद में गए और खेमकर जो वो कसूर का हिस्सा था वो इंडिया के हिस्से में चला गया। सर यहाँ पे बॉर्डर जो आपने अभी बात की है, पाकिस्तान बनने से पहले भी बॉर्डर था वो खेमकर का इलाका कह रहे जो इंडिया में चला गया 1947 के बाद, और यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है हमारे यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से बॉर्डर 3.5 किलोमीटर है, मतलब बहुत पास हम मौजूद हैं इंडिया का जो है मलेका। और खासतौर पर 65 की जंग के वाले से मैं लाजमी जिक्र करना जो आदत से जानेंगे क्योंकि कसूर का महाज था, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि दो मेन महाज होते थे हमारे, जो एक सियालकोट का, दूसरा कसूर का महाज। कसूर का महाज, कसूर जो 65 की दौर था जब जंग हुई, तो 65 की जंग में हमने जो खेल कर सारा जो तहसील थी अपने तहसील हमारी जो पाक फौज थी वो वहाँ तक पहुँच गई, कब्जा हमारे से बाद में जब बॉर्डर का जो भी शेड्यूल होता है जिससे में वापस किए गए वो हमने फिर जो बाद में जो मेरे गांव के बड़े बताते हैं कि हम 6-4 महीने जो है वहाँ पे जानवर लेके जाए गए, जानवर में लेके जाया करते थे और डेली की रूटीन पे वहाँ पे जाते थे, हम देखने जाते थे और 4 महीने जो खेम कर था वो हमारे हिस्से में। बिल्कुल तारीखी अहमियत के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हमल किया। अब मैं एक और जो पॉइंट यहाँ पर रेज करूँगा, कसूर से वाबस्ता जुड़ी हस्तियाँ और यहाँ से जुड़े जो शख्सियात हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम पैदा किया, उन हवाले से जानना चाहूँगा क्योंकि कसूर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान बनने से पहले कसूर के बारे में ये कहता था तेरा कसूर है, ये मेरा कसूर है और बाद में ये पाकिस्तान के हक में आया था और यहाँ से बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं, उन्होंने गाजी के वाले से भी जो जिक्र किया वो भी ज़रा बताइए कि कौन कौन से नाम यहाँ से बिलोंग करता है। एक तो मैं आप बुल्ले शाह के जो आप बंदियाँ जानती है मैडम नूर जहाँ, हाँ, और हमारी फिल्मों के मशहूर अदाकार थे यूसुफ खान, हाँ वो भी कसूर से थे। अच्छा, और वो इसी जो खानदान था जो पठानों का जो नवाब थे वो नवाब थे और उनको कफन भी यहाँ पे कफन भी आते जहाँ पे मुझे मुझे अपने शहर में आया था।
गायकी का। मैडम नूरजहान के हवाले से जा रहा, पूरी दुनिया जानती है उनकी गायकी के हवाले से। और दूसरी जानो अगर इन्होंने बड़ा नाम लिया जो यूसुफ खान के हवाले से, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम रहे हैं और उन्होंने बड़ा मकाम पैदा किया था। और इसके अलावा बुल्ले शाह उनके तो उदाहरण है, हमारे पास अल्फाज नहीं है उनके किस तरह के खराज के सीन खराज किधर पेश किया जाए, क्योंकि कसूर की गलती जाने में बुल्ले शाह की गलती के नाम से जाने गए। आज कसूर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको कसूर के हवाले से मुख्तसर तरीन जो है वो महल को पेश किया। डेफिनेटली कसूर पाकिस्तान का शहर है, लाहौर से चंद मील के फासले पर वाक़ है और एक तारीख रखता है। इस हवाले से आपको जो है दरबार का भी सब करवाए कि वहाँ पर क्या तारीखें रकम हुई हुई हैं और कौन कौन से लोग वहाँ पर आते हैं और क्या कुछ वहाँ पर होता है, काम पर क्या है कसूर के हवाले से। यहाँ से अभी हमें जो इजाज़त है।